मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। तो इसमें बताते हैं जो नेहरू जी होते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। तो वो कहते हैं जो पुराने स्मारक होते हैं, स्मारक मतलब किसी की याद में जो बनाई जाती हैं चीजें, वो स्मारक। और जो भग्नावशेष मतलब जो किले वगैरह बनाए गए थे जो टूट गए थे उनको, और जो पुरानी मूर्तियां थी, और जो भित्ति, भित्ति माने दीवार, और जो भित्ति पर दीवार पर जो चित्र बने हुए थे उन्होंने उसको देखा, और अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। तो उन्होंने बताया है कि जहाँ यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी चीजों को देखा, अजंता एलोरा की जो गुफाएं थी उनको देखा, एलिफेंटा की गुफाएं थी उनको देखा, और जो बहुत से स्थान थे उनको देखा उन्होंने। तो मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। तो वो बता रहे हैं कि वो आगरा और दिल्ली भी गए थे, जहाँ उन्होंने जहाँ खूबसूरत जो इमारतें थी उनको देखा था, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। तो वो कहते हैं जो ये इमारतें, जो ये बिल्डिंग थी, उनको देखने के बाद उनको पता चलता है कि हमारे अतीत में क्या था, हमारे अतीत की कहानी कह रहा था। मतलब इनको देख के पता चलता है कि हमारे अतीत में, हमारे जो समय, जो पहले का समय था, उसमें लोग कैसे रहते थे, कैसी उनकी चित्रकारी थी, कैसे वो जीवन बिताते थे। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो वो कहते हैं मैं अपना जो मेरा शहर है इलाहाबाद या फिर हरिद्वार, वहां भी जाता हूँ कि वहां गंगा नदी है और वहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला जो है वो 12वें वर्ष में लगता है। ये जो इलाहाबाद है, हरिद्वार है, यहाँ पे जो कुंभ का मेला लगता है वहां पे ये गए और उन्होंने मेले को देखा, जो गंगा स्नान होता है उसका मेला होता है ये। और ये देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि लोगों में अब भी इतनी श्रद्धा भक्ति भावना है कि इस गंगा में जो डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग, और उनका मत होता है कि यहाँ पे आने के बाद जो उनके पाप हैं वो सब धुल जाते हैं। तो आज भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोने से आते थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अब भी इतने ही लोग आते हैं जैसे कि पुराने जमाने में हजारों वर्ष से, मतलब बहुत हजारों सालों से ये क्रम चला आ रहा है कि लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। तो जो उनके दादा परदादा थे जो आते थे यहाँ पे, उसी तरह आज भी लोग यहाँ पे आते हैं। उन्होंने ऐसा वहां पे देखा कि बहुत से लोग हैं वहां पे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। तो वो कहते हैं जो 1300 साल पहले जो चीनी यात्री आए थे और कुछ दूसरे लोग यहाँ पे जो आए थे, जिन्होंने इन जो पर्व हैं, जो त्योहार है, उनके बारे में लिखा था, उसके बारे में मुझे याद आ जाता है कि वो उन्होंने क्या क्या लिखा था, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो जो ये मेला लगता है कुंभ का, तो पहले जमाने में भी थे और लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में ही खो गए थे कहीं पे। तो मुझे हैरत होती है कि कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो वो कहते हैं कौन सी आस्था, आस्था मतलब विश्वास, ऐसा कौन सा विश्वास है लोगों में जो इतनी अधिक संख्या में वो इस नदी की ओर खिंचे चले आते हैं, इस नदी में स्नान करते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस उसमें बताया है कि जो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है और हरिद्वार में लगता है, ये बहुत ही पवित्र मेला होता है, इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये मेला जो लगता है वो आज से नहीं है, बहुत हजारों वर्ष पहले से ये मेला लगता चला आ रहा है, जिसमें हमारे जो दादा परदादा है वो भी हमारे इस मेले में जाते थे। और जो ये जो वो था चीनी यात्री थे जो यहाँ पे बहुत साल पहले, 1300 साल पहले आए थे, जिन्होंने इन पर्वों के बारे में लिखा था सबके बारे में, और जो ये प्राचीन काल में कहीं गुम हो गए थे जो मेले थे, लेकिन जो ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर ऐसी कौन सी आस्था है, कौन सी ऐसा हमारा विश्वास है जो हम इस मेले की तरफ चले आते हैं, गंगा स्नान की तरफ हम आते हैं, मतलब हजारों की संख्या में जो लोग हैं जो इस गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और सोचते हैं, उनका कुछ ऐसा विश्वास था कि इसमें नहाने से जो उनके पाप किए हैं जिंदगी में, जो कुछ भी है वो सब धुल जाएगा। मेरे अध्ययन के पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। तो वो कहते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सी जो यात्राएं मैंने की, उससे क्या हुआ, मुझे पता चला कि जो मेरा अतीत था, जो हमारे जो पहले के जो लोग थे वो कैसे थे। तो
तो मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। तो मैं जो सोचता था भारत के बारे में वो धीमे धीमे सच होने लगा कि हाँ वास्तव में भारत जो था बहुत ऐसा है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। तो कहते हैं वो जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने बहुत सी चीजें देखी अपनी जिंदगी में, हंसते भी थे रोते भी थे, प्यार भी था उनमें और उनमें दुख दर्द भी उन्होंने भोगा था। तो हमारे देश में ऐसे कई ऐसे अवसर आए हैं जब लोगों बाहर के लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश पर कब्जा किया, बहुत हमारे देश के लोगों ने दुख भी सहे और बहुत अच्छी जिंदगी भी बिताई है पुराने लोगों ने। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। तो वो कहते हैं जो ऐसे लोग थे जो इन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी के बारे में सच्ची समझ थी। वो समझते थे कि हाँ जिंदगी वास्तव में क्या होती है। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे हुए थे। तो वो कहते हैं जो मैं ये सब चीजें देखने गया तो मुझे पता चला तो कि जो मैंने अतीत को देखा अपने, तो जो ये चित्र मैंने देखे वो मेरे मन में अभी भी ताजा थे। मतलब जो कुछ मैं देख के आया वो अभी भी मेरे मन में भरे हुए थे। मतलब मेरे मन में उनका जो था वो सब कुछ थे मेरे दिल और दिमाग पे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ जाता था। तो वो कहते हैं जब भी मैं किसी स्थान पर जाता था तो मैं सोच तो जो मैंने चित्र देखे थे वो तत्काल मेरे सामने आ जाता था। हाँ मैंने वहां पर ये चीज देखी थी तो वो ऐसा सोचने लगते थे। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। तो वो कहते हैं बनारस के पास जो सारनाथ का मंदिर है वहां पर मैंने क्या किया, जो गौतम बुद्ध थे उनका उपदेश बिल्कुल साफ देखा। मतलब सब मुझे लगा कि बिल्कुल साफ मेरी आंखों के सामने उपदेश दे रहे हो। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभी लिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई दिए। तो वो कहते हैं 2500 वर्ष का जो फासला था बहुत साल पहले की जो ये बात थी वो भी ऐसा लगता था जैसे अभी की बात हो और जो उनकी ध्वनि है वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो वो कहते हैं जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वो दो अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यमों से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो जो अशोक थे वो बहुत महान राजा थे और इसको उनको देख जो उनके स्तंभ थे अशोक के और जो शिलालेख थे उनको देख के ऐसा पता चलता था कि वो खुद तो बहुत बड़े सम्राट हैं ही और जो अन्य राजा और सम्राट हैं वो उनसे भी महान है। तो वो बहुत किसी अन्य राजा से भी बहुत ज्यादा महान दिखाई देते थे जो अशोक थे। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। तो फतेहपुर सीकरी में जब वो गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि जो अकबर हो वो अपने साम्राज्य को भुलाकर भूल गया हो और वहां विद्वानों के साथ बातचीत कर रहा हो। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शासन समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो वो कहते हैं जो अकबर था वो बहुत ही जिज्ञासु भाव से, मतलब उसके अंदर बहुत अधिक इच्छा थी जानने की कि मनुष्य की समस्याएं क्या है, उनका हल वो निकाल रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। तो वो कह रहे थे जैसे जैसे मैं जिन जिन जगहों पर जा रहा था उसको देख के मुझे वहां की जो चीजें घटनाएं घटित हुई थी वो सब मेरे आंखों के सामने आ जाती थी कि कैसे विजय प्राप्त की, कैसे पराजय हुई, कैसे सब कुछ मेरे सामने आता जा रहा था इन चीजों को देख के। तो मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। तो वो कहते हैं जो ये भारत की जो 5000 साल पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ अलगपन है और इसमें कुछ अनोखापन है, विलक्षण है, ये अपने आप में अनोखी है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो वो कहते हैं हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, जो हमारी बहुत साल पुरानी है, 5000 साल पहले की है, जो अभी तक बनी हुई है, ये कोई ऐसे ही नहीं बनी हुई है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसलिए हमारे हमको आज भी हमें जो भारतीय की संस्कृति और सभ्यता है वो आज भी जीवित है। तो इस जो ये जो परंपराएं हैं, ये जो संस्कृति और सभ्यता है हमारी, उसने भारत की जनता में अभी भी फैली हुई है और इसने हमारे जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डाला है। तो इस खंड में जो है उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया कि वो कहाँ कहाँ गए और उन्होंने जो जब गए थे तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि जो उनकी जो जगह है वो वास्तव में अभी भी जीवित हो लोग
और जो अकबर हो वो भी वहां बैठा हुआ हो और लोगों की जो समस्या है उनको सुन रहा हो। तो इस तरह लास्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है भारत के अतीत की झांकी, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका भारत की शक्ति और सीमा।